नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज की इस वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे SAGPT के बारे में। SAGPT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स या फिर जो राइटर होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। SAGPT नाम से ही आप समझ पा रहे हो कि ये किसी प्रकार का एसे जनरेट करता होगा, लेकिन इससे आपको क्या फ़ायदा? आप फिर ये कहोगे कि ChatGPT भी तो लिख के दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप ChatGPT को यूज करके आप चाहें तो ऐसे लिखवा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि ChatGPT से जब आप कोई कंटेंट लिखवाएंगे तो आप उस कंटेंट को कहीं अगर यूज करेंगे तो वो AI जनरेटेड जो टूल्स हैं उनके द्वारा कैच कर लिया जाएगा। तो उसी को काटने के लिए ये जो आया है SAGPT। SAGPT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऐसे जनरेट करा सकते हैं। यदि आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं, हाई स्कूल इंटर वाले, तो आपको ये जनरेटर मिलेगा टूल। जनरेटर का यूज करके आप यहाँ पर सिंपल बेसिक ऐसे जनरेट कर सकते हैं। राइटर प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर, यहाँ से आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप राइटर का यूज कर सकते हैं। स्कॉलर चैट यहाँ पर है जहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा, पेपर्स मिलेंगे, आप यहाँ से साइटेशंस भी नोट कर सकते हैं जो भी आप राइट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे राइटर, ऐसे जनरेटर दो टूल यहाँ पर हैं, साथ में स्कॉलर चैट भी है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ से लिखवाते हैं तो ये 100% ह्यूमन रिटन रहेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ SAGPT का यूज करके जो भी आप कंटेंट राइट करेंगे वो ह्यूमन रिटन कंटेंट रहेगा, यानी कि वो AI चेकर जो टूल होते हैं उनसे कैच नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जनरेटर पर क्लिक करते हैं और हम एक ऐसे जो है वो लिखवाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डिस्क्राइब करने पड़ेगा आपके टॉपिक, तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिख सकते हैं जैसे फेमिनिज्म, ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो फेमिनिज्म पर ऐसे लिखवाना है। तो फेमिनिज्म पर आप बेसिक ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और परसुएसिव, कंपेरेटिव, आप जैसा चाहें वैसे। तो बेसिक अभी सही है क्योंकि ये जो जनरेटर का यूज है ये बेसिक, मतलब कि स्कूल स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेटर होता है। आप 200 से 500 वर्ड में लिखवाना चाहते हैं तो इसको 200 से 500 चूज करें, 100 से 200 रखना चाहते हैं तो ये भी सही है। तो मान लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, वैसे जो ऐसे होता है वो 200 से 500 या 500 से 800 भी रहेगा तो ही बेटर है, लेकिन हम इसे और कम रखते हैं 100 से 200 में, ठीक है, 100 से 200 रहेगा। और लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज का देखें तो आप यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज भी है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिखवा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश रखेंगे और अनडिटेक्टेबल मोड पे रखिएगा। अनडिटेक्टेबल मोड क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनडिटेक्टेबल AI ऐसे राइटिंग मोड से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये जैसे GPT जो 0, Originality.AI, Turnitin, 0GPT, इन सब से ये ऑलरेडी चेक किया हुआ रहेगा कि जो आप लिखवाएंगे वो ह्यूमन रिटन है या नहीं, लेकिन फिर भी हम अलग से चेक करके इसे देखेंगे। तो अनडिटेक्टेबल मोड में करके इसे जनरेट करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे ही आप जनरेट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको फिर एक टाइटल यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप चूज कर लीजिए, फेमिनिज्म आपने सिर्फ लिखा था। तो इससे आपको फ़ायदा ये हो रहा है कि मान लीजिए आपको टाइटल नहीं पता चल रहा है तो आप सिर्फ एक वर्ड अगर लिख देंगे तो आपको यहाँ पर टाइटल चूज करने का मिलेगा। तो इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिज्म ऑन सोसाइटी, ये हम चूज कर लेते हैं टाइटल, ठीक। अब ये जनरेट हो रहा है। आउटलाइन भी आपको नोट करने को मिलेगा, आउटलाइन आप जब चूज कर लेंगे उसके बाद ये ऐसे जनरेट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द आउटपुट कंटेंट सीम्स टू बी ह्यूमन रिटन, यानी कि आपका जो कंटेंट जनरेट हुआ है वो GPT 0, कॉपी लीक्स, 0GPT, इन सब पर वेरीफाई होता है। ह्यूमन रिटन 50% ह्यूमन रिटन और ये AI जनरेटेड नहीं है, ये ह्यूमन रिटन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिज्म ऑन सोसाइटी। तो सबसे पहले इसमें लिखा है हिस्टोरिकल ओरिजिन एंड कोर प्रिंसिपल्स ऑफ फेमिनिज्म, उसके बाद फेमिनिज्म इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स एंड लॉ वगैरह वगैरह, ये करके आपका ये ऐसे लिख के आ गया, ठीक है। आप इसे फॉर्मेट भी चाहो तो चेंज कर सकते हो, नॉर्मल टेक्स्ट रखना चाहो तो आप नॉर्मल रख सकते हो, और ये पूरा आपका जो है 361 वर्ड में है। तो ये जो पूरा कंटेंट है आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी का बटन ये आ गया, कॉपी कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसे चेक करेंगे। तो Originality.AI जो है ये एक AI कंटेंट जो होते हैं उसको चेक करने का टूल है कि कितना आपका AI जनरेटेड है या नहीं। तो यहाँ पर पूरा कंटेंट पेस्ट कर देंगे, तो ये हमने पूरा पेस्ट कर दिया। अब हम इसको स्कैन करेंगे, तो ये स्कैन हो गया, ये आप देख सकते हो 345 वर्ड, और यहाँ पर जो ये दिख रहा है कि 99% कॉन्फिडेंस है लाइकली ओरिजिनल, यानी कि ये ह्यूमन रिटन है। हम GPT 0 पर भी इसे चेक करेंगे, यहाँ पर भी आप सेम कंटेंट को पेस्ट कर दीजिए। अब पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर सिंपली जो है रन स्कैन पर चले जाइए। तो जब स्कैन करने पर ये जो रिजल्ट आया है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूमन रिटन 95% एंड 3% मिक्स्ड तथा 3% यहाँ पर AI है।
तो आपका जो ये कंटेंट है ये पूरा क्या 95% ह्यूमन रिटन है। तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे। तो हम आ चुके हैं कॉपी लिंक्स पे। कॉपी लिंक्स पे आने के बाद यहाँ पर भी हम अपना जो टेक्स्ट कंटेंट्स हैं उसे यहाँ पर सिंपली पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप पेस्ट करोगे तो उसके बाद आप यहाँ पर स्कैन पे डाल दीजिए। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कॉपी लिंक्स पर जो हमने स्कैन किया उसका भी रिजल्ट आ गया। और यहाँ पर ये लिखा है, आप देख सकते हैं कि ह्यूमन टेक्स्ट जो है वो 100% है और AI कंटेंट यहाँ पर 0% है। तो यानी कि अगर आप ऐसे GPT से कोई भी ऐसे या फिर कोई कंटेंट राइट करते हैं तो AI चेकर जो टूल्स होते हैं उन पर ये किस तरह से पास कर रहा है। तो एक और यहाँ पर AI चेकर टूल्स है AI कंटेंट के लिए, इसका नाम है Zero GPT। Zero GPT पर भी हम अपना कंटेंट यहाँ पर पेस्ट करेंगे और डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद आप ये देख सकते हैं रिजल्ट 3.11% AI GPT कंटेंट है, बाकी आपका यहाँ पर 97% जो है ह्यूमन रिटन है। तो Zero GPT पर भी ये पास करता है। और कंटेंट एट स्केल पर भी हम चेक करेंगे। तो कंटेंट एट स्केल पर जब आपका कंटेंट आप यहाँ पर पेस्ट करोगे और चेक करोगे तो आपका जो कंटेंट है आप ये देख सकते हो, जब आपने कंटेंट एट स्केल पर चेक किया तो ये यहाँ पर भी पास करता है, यानी कि ह्यूमन रिटन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है, पासेज एज ह्यूमन रिटन, ठीक है। ठीक है, अगर आपके पास टर्निटिन अकाउंट है तो टर्निटिन अकाउंट पर भी इसे जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये पास करेगा। हमारे पास टर्निटिन अकाउंट नहीं है इसीलिए हम वहाँ पर चेक नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे जनरेटर जो है इसका यूज़ हमने आपको बताया, ऐसे जनरेटर का यूज़ जो है वो स्कूल स्टूडेंट कर सकते हैं, इनके लिए ईजी है। वो किसी भी अपने प्रोजेक्ट में या ऐसे राइटिंग में इसका यूज कर सकते हैं, आपको साइटेशन भी साथ में मिल जाएगा और ये ह्यूमन रिटन रहेगा, यानी कि किसी भी प्लैगरिज्म चेकर या AI चेकर टूल्स के आप पकड़ में नहीं आएंगे। अगर हम ऐसे राइटर पे चलें तो ऐसे राइटर जो है वो स्कूल से आगे यानी कि कॉलेज स्टूडेंट या रिसर्चर के लिए ज़्यादातर बेस्ट होता है। तो राइटर पर अगर आप आएंगे तो आपको क्या करना है, यू कैन टाइप। तो हम यहाँ पर सेम यूज करेंगे जैसे कि हमने वहाँ पर फेमिनिज्म पर काम किया था, यहाँ पर भी हम डालेंगे फेमिनिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो इसको इंटर करेंगे। अब ये देख सकते हैं आप फेमिनिज्म इन इंडिया पर ये पूरा आपका एसे राइट हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसे फिर से ट्राई कर सकते हो चेक करके कि आपका ये सही लिखा है कि नहीं, अगर गलत है तो फिर से ट्राई कर सकते हैं या आप कंटिन्यू राइटिंग रख सकते हैं, डन कर सकते हैं। तो हम डन करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो फेमिनिज्म इन इंडिया हैज़ अ रिच एंड कॉम्प्लेक्स स्टोरी, ये पूरा आपका एसे राइट हुआ है, ठीक, एक पेज का। और ये जो है पूरा 395 वर्ड में है और ये पूरा ह्यूमन रिटन है, ये कोई AI जनरेटेड कंटेंट की पकड़ में आप इसमें नहीं आओगे। तो दोस्तों ये आप पूरा कंटेंट देख सकते हो, ये फेमिनिज्म इन इंडिया पर लिख के आ चुका है, ये पूरा ह्यूमन रिटेड कंटेंट है। और अगर आप इसे स्कॉलर चैट पर इससे रिलेटेड आर्टिकल जो भी हैं ये सब देखना चाहते हो तो स्कॉलर चैट पर आपको सिंपली क्लिक करके यहाँ पर न्यू चैट का जो बटन है यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर मैसेज डालेंगे फेमिनिज्म इन इंडिया। तो जैसे ही आप इंटर का प्रेस करोगे आप यहाँ पर बहुत सारे जो भी इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फेमिनिज्म इन इंडिया इज़ अ रिच एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक रिफ्लेक्टिंग वेरियस डायमेंशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट की इंसाइट फ्रॉम रिसेंट रिसर्च पेपर्स दैट एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फेमिनिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर साइबर फेमिनिज्म लिमिटेशंस, ये डेल्विन 2023 का ये आप देख सकते हो, और इधर और भी बहुत सारे हैं जैसे कि इस्लामिक फेमिनिज्म। और दोस्तों फेमिनिज्म इन इंडिया पर जो भी आपका ये एसे राइट हुआ है एसे राइटर के द्वारा, इससे रिलेटेड आप साइटेशंस देखना चाहते हैं, जर्नल्स पेपर और जो अदर वर्क हुए हैं उनके बारे में, तो आपको आपके लिए यहाँ पर बेस्ट सेक्शन एक और है जो इसमें हेल्प कर सकता है। इसी में जस्ट बगल आप इधर देखेंगे तो ये रिसर्च का सेक्शन है। रिसर्च सेक्शन से आप यहाँ पर इससे रिलेटेड जर्नल पेपर जो है वो सर्च करके उसके साइटेशन नोट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर रिसर्च सेक्शन में फेमिनिज्म इन इंडिया सर्च कर लेना है, और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपको इस रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर साइटेशन देखने को मिलेंगे। डोना हरावे का ये साइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर साइट बटन पर क्लिक करेंगे, ऐसे ही जो भी आप यहाँ पर साइटेशन नोट करना चाहें सारे साइटेशन यहाँ पर नोट हो जाएंगे, ठीक। ये आप देख सकते हैं सारे साइटेशन, अब वो भी APS फॉर्मेट में है, और ये सारे साइटेशन आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जो भी जहाँ पर भी ऐसे आप यूज करेंगे, तो इससे आपकी ऐसे की जो लायबिलिटी है वो ज़्यादा बन जाती है। तो ऐसे GPT जो है आपके लिए बेहतर कंटेंट राइट करता है, साथ में साइटेशन भी आपको प्रोवाइड करता है। स्कॉलर चैट का ये फीचर आपके लिए बहुत ही बेहतर है जो आपको तुरंत
साइटेशन भी दे देता है, संबंधित रिसर्च आर्टिकल जो इंटरनेट पर मौजूद हैं वो आपको दे देगा और आपको इसके लिए खोजना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर साथ में ही आप ये कुछ पॉपुलर टूल्स हैं इसे भी देख सकते हैं, जैसे एस्से रीराइटर। इस यहाँ पर आपको अपने जो आपका एस्से है जो आपने लिखा है कोई उसे रीराइट कर सकते हैं या आप उसे प्लेगरिज्म फ्री कर सकते हैं। एस्से एक्सटेंडर यानी कि आपने अगर कोई एस्से लिखा है तो उसे आप एक्सटेंड करना चाहते हैं यानी कि और बड़ा उस पर लिखना चाहते हैं ज़्यादा वर्ड्स, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एस्से चेकर वेरीफाई द ऑर्गेनाइजेशन क्लैरिटी एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एन एस्से टू इंश्योर प्रॉपर स्ट्रक्चर, तो एस्से चेकर टूल भी आपके लिए बेहतर हो सकता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।